परम पूज्य गुरुदेव भैया समस्त ऋषिगण माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आपके सामने यह घोषणा करता हूँ कि जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम है, मेरी माता ने बड़ी कूटनीति द्वारा मेरे पिताजी राजा दशरथ के दिए गए 2 वचनों के जाल में फंस कर वो राज्य मुझे दिला दिया। परंतु अधर्म के मार्ग पर चलना सर्वदा अनुचित होता है, इसलिए हमारे कुल के रीति और विधान भी यही हैं। इसलिए हमारे कुलधर्म के अनुसार श्री राम सिंहासन ग्रहण करें और मुझे और मेरी कलंकिनी माता के पापों के प्रायश्चित करने में सहायता करें। जय श्री राम। धन्यवाद। संसार में केवल 3 प्रकार के लोग होते हैं, पहला जो कहते हैं करते नहीं, दूसरा जो कहते हैं और करते भी है, तीसरा जो कहते हैं और बखारते नहीं है। तुमने बस अभिमान बखार तो बहुत लिया। अब देखते हैं इतिहास में दुष्प्रावण, मैं राम की पत्नी सीता हूँ, तूने मेरा हरण करके अच्छा नहीं किया, अब तेरा विनाश निश्चित है, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। जय श्री राम। माते भिक्षा दे। मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती, मेरे पुत्रों ने इस रेखा को लांघने से मना करा है। एक साधु को आप ऐसे खाली हाथ भेजेंगे, थोड़ा तो आगे आके दीजिए। ठीक है बाबा, लीजिए बाबा। रावण तूने मेरा हरण किया है, अब राम जी आएंगे मुझे लेने और तेरा विनाश करेंगे। I'm gonna go to the top of the mountain.